नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। पंचांग के अनुसार आज सोमवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा है। आज विशाखा नक्षत्र है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आप सभी का आज का राशि फल। मेष राशि। मेष राशि वाले युवा वर्ग के लिए लोग कला और एवं संगीत में रुचि लेंगे। उन्हें अपनी छवि को चमकाने का अवसर मिलने वाला है। अपने किसी काम से वरिष्ठ लोगों से प्रसन्नता बटोरने में सफल होंगे। ऑफिस में आपके बॉस भी खुश रहेंगे। कारोबारी यदि इलेक्ट्रॉनिक सामान को डील करते हैं तो वे उसकी अच्छी बिक्री कर पाएंगे, जिन्हें उन्हें लाभ होगा। आज आपको संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि चलते समय गिर सकते हैं। गिले स्थान पर फिसलने की आशंका है। इस राशि के अविवाहित युवक युवतियों को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते मिलने की उम्मीद है। बच्चों को अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसका ध्यान अभिभावकों को भी रखना होगा। वृष राशि। वृष राशि के लोगों को आध्यात्मिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। अति आत्मविश्वास नुकसान भी पहुंचाता है। आपके ऑफिस में काम को लेकर बदलाव रोज की अपेक्षा कुछ अधिक बढ़ सकता है। इसे आपको ही मैनेज करना होगा। व्यापारी जल्दबाजी में कोई नया प्रोजेक्ट न स्टार्ट करे। पहले उसके लाभ हानि के बारे में ठीक से समझ ले। सिगरेट पीने वाले या पान गुटखा खाने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी ये सब व्यसन है, दूर रहे तो अच्छा है। वैसे घर के लिए किए गए पुराने निवेश में अब आपके लिए लाभकारी साबित होने वाले हैं। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलने का योग बन रहा है। प्रयास करें तो सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अचानक धन का व्यय होता नजर आ रहा है। आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ेगा आपका। आपके ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम करता है। मौका मिल निकालकर उसे उपहार देना चाहिए। व्यापारियों को आज विदेश कंपनियों से अच्छा ऑफर मिल सकता है। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आप काफी समय से नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, अब आप उसकी प्लानिंग करने का सही समय आ गया है। नए संबंधों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संबंधों में जल्दबाजी करने पर भविष्य में परेशान हो सकते हैं। सामाजिक कार्य सक्रिय होने का समय है। वृक्षारोपण करें और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, मन प्रसन्न होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों ने अपने लक्ष्य बनाए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करना होगा, तभी सफल होंगे। अपनी वाणी के मूल को समझें। यदि आप पेशे से टीचर या प्रवक्ता हैं तो आपके लिए यह और भी जरूरी है। आर्थिक मामलों में अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। चोरी भी हो सकती है, सतर्कता से बचाव कर सकते हैं। आपके पीठ में दर्द हो सकता है, ऐसे में आपको आगे झुककर या अधिक बोझ उठाने से बचना चाहिए। नए रिश्तों में उचित दूरी बनाए रखने की जरूरत है। पहले एक दूसरे को समझने को समझ दीजिए। युवा वर्ग के लोग अपने साहस एवं पराक्रम के बल पर अच्छा निर्णय लेंगे तो उन्हें सफलता प्रदान होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को तीखा व्यवहार दूसरों के साथ नाराज कर सकता है। आपके अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। आपके ऑफिस में स्थितियां आपके लिए सामान्य रहेंगी, लेकिन आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कारोबारियों को ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार में अनुभव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अनुभव का उपयोग करना चाहिए। पहले भी आपको चोट लग चुकी है, पुरानी चोट पर फिर से चोट लग सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। पैतृक व्यापारी विभिन्न लोगों से तालमेल और व्यापारिक संपर्कों से लाभ कमा सकते हैं। स्वाध्याय करने का सही समय तो है, ये है ही। धार्मिक पुस्तकों और साहित्यों को भी पढ़ें, आपको सन्मार्ग प्राप्त होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कर्म ही पूजा है, इसे बनाए रखिए। और यदि कोई मदद मांगे तो उन्हें इसे निराश ना करें। आप में भरपूर क्षमता है, अच्छा प्रदर्शन करते हुए किसी को निराश ना करें। पूरी टीम को साथ लेकर चले तो सफलता मिलेगी। कारोबारी लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। ना तो आपको घाटा होगा, ना ही मुनाफा कमा सकेंगे। जो लोग पहले से ही अस्थमा रोग से पीड़ित हैं, उन्हें अलर्ट होने की जरूरत है। अधिक भाग दौड़ ना करें, घर पर आराम करें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बैठक होगी जिसमें आप भी शामिल होंगे। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पर अपने को केंद्रित रखें। पढ़ाई के दौरान इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अनावश्यक खर्चे तनाव का कारण बन सकते हैं। जो लोग किसी कंपनी के लिए एडवाइजर की स्थिति में है, उन्हें जो भी एडवाइस देना हो सोच समझ कर दें। राजनीति से जुड़े लोगों को अपना प्रचार प्रसार बढ़ाना होगा। आजकल सेल्फ मार्केटिंग का जमाना है। सेहत के लिहाज से आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। बासी भोजन तो कतई ना ले, इससे समस्या हो सकती है। पुराने घरेलू विवादों को हवा देने की जरूरत नहीं है। लोग भूल चुके हैं तो आप भी बुलाने की कोशिश करें। टीवी मोबाइल लैपटॉप जितना जरूरी हो उतना ही इस्तेमाल करें। अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को सौम्य व्यवहार दूसरों को आकर्षित करेगा। अपनी सौम्यता और मृदुलता बनाए रखिए। आज का काम आज ही निपटाने की आदत डालिए। पेंडिंग काम को छोड़ना ठीक नहीं है, वरना पेंडेंसी बढ़ती जाएगी। यदि आप कंपनी के मालिक हैं तो काम न बनने की स्थिति में भी क्रोध पर संयम रखें। कब्ज जैसी पेट की समस्या को लेकर परेशान रह सकते हैं। खान पान में तला हुआ बंद और कर फाइबर युक्त चीजें बढ़ाएं। आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब है तो अब उन्हें आराम मिलने का समय आ गया है। आपकी मित्र मंडली में बढ़ोतरी जरूर होगी, किंतु पुराने दोस्तों पर विश्वास बनाए रखें। धनुराशि। धनुराशि वालों को अपने से विवाद तो हो सकता है, किंतु ऐसे में मतभेद ना करें। मतभेद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नौकरी करने वालों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आज का कामकाज ही समाप्त कर ले। आज ही
कल के लिए ना छोड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान का काम करने वाले व्यापारी अच्छा लाभ कमा सकते हैं, सौदा करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मलेरिया और डेंगू के लेकर सतर्क रहना चाहिए। कहीं पानी का ठहराव हो तो साफ कर दे। पारिवारिक समस्याओं से आपसे मनमुटाव की संभावना है, इसलिए तुरंत बैच इसलिए संतुलन बनाकर काम करें। सामाजिक नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार व दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि के लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही नुकसान देता है। ऑफिस में बॉस के साथ संबंधों में खटास न आने दे। कोई भी निर्णय शांति से लेकर क्रोध में कतई कोई निर्णय ना ले। खुदरा कारोबार करने वाले व्यापारियों की आर्थिक प्रगति का योग है। आपके पास रुकी किसी चीज की डिमांड बढ़ सकती है। इस राशि के लोगों को आज एसिडिटी परेशान कर सकती है। खूब पानी पिए और मसालेदार तली चीजों का सेवन ना करें। घर के वातावरण को अच्छा रखने का प्रयास करें। वातावरण अच्छा रहेगा तो बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी परिचित परिवार में होने वाले विवाह समारोह में मदद करनी पड़ सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को अपने मन को एकाग्र बनाए रखना होगा, तभी वे कोई कार्य ठीक तरीके से पूरा कर सकेंगे। नौकरी करने वालों को अपने ऑफिस की तरफ से किसी अन्य शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। खाने पीने के सामान का काम करने वालों को अपनी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सारा कारोबार साख पर टिका है। इस राशि वालों को आंखों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। धूप में निकलना हो तो चश्मा लगा कर निकले। आपको अपनी बहन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। दूर रहती है तो फोन पर भी हालचाल ले लें। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको मनचाहा उपहार मिल सकता है जिसका आपको इंतजार है। मीन राशि। मीन राशि वालों को पिछले चल रहे नियमों को बदलने का समय आ गया है। समय के साथ बदलाव जरूरी है। हो सकता है ऑफिस में आपको सहकर्मी का कार्य भी करना पड़ सकता है, किंतु प्रसन्नता के साथ करें इसको। आप इस बात को लेकर कोई भी मुंह ना बनाए। व्यापार में कुछ घाटा भी हो सकता है, इसलिए किसी भी वस्तु का अनावश्यक स्टॉक ना करें वरना परेशान होंगे। इस मौसम में खांसी जुकाम परेशान कर सकता है। ठंडी चीजों के सेवन से परहेज के साथ ही बचाव पर ध्यान दें। जीवन साथी के साथ संबंधों में गर्मा गर्मी हो सकती है। आपको संयम से काम लेना चाहिए। आज आपको किसी संस्कारी कार्यक्रम में जाने का योग बन रहा है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।